29A, the last corner. हेलो गाइस, मेरा केरला ट्रिप होता है यहाँ ख़त्म एंड अब मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली। मेरी फ़्लाइट है 8:50 पे, अभी टाइम हो रहा है 6:40। मैं काफ़ी टाइम पहले निकल रहा हूँ क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर, तो मुझे एक घंटे 10 मिनट लग जाएंगे एयरपोर्ट जाने में। तो मैंने कैब बुक कर लिया है, वो आ ही रहा है, एंड देन फिर मैं निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए। बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है क्योंकि अभी मॉर्निंग का ही टाइम है एंड रोड पूरी खाली है। आप ये देख सकते हैं ऊपर ये मेट्रो की लाइन है, कोची में मेट्रो की है। अब हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं एंड कुछ ही देर में हम एयरपोर्ट के करीब होंगे। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट है जो फुली ऑपरेट होती है सोलर एनर्जी से। ये देख रहे हैं आप, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंड ये सामने डोमेस्टिक एयरपोर्ट जहाँ पे जाना है। तो गाइज मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट एंड मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए। एक बार सिक्योरिटी चेक हो जाएगी फिर मैं पहुँच जाऊँगा एयरपोर्ट के अंदर, फिर मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो गाइज मैं आ गया हूँ कोची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंड मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मेरा केरला ट्रिप यहीं एंड होता है एंड मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। मैं आ गया हूँ कोची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड मेरी फ़्लाइट 8:50 पे यहाँ से टेक ऑफ करेगी एंड मैं 12:30 बजे दिल्ली पहुँच जाऊँगा। एंड ये मेरी अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट फ़्लाइट होगी 2600 किलोमीटर एंड 2600 किलोमीटर कवर करने में लग जाएंगे 3.5 घंटे। ये मेरी फ़्लाइट 9 बजे यहाँ से टेक ऑफ होगी एंड 12:30 बजे हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। नंबर 5 से टेक ऑफ करेगी तो मैं गेट नंबर 5 की तरफ जाता हूँ, वहीं पर बैठ के मैं वेट करूँगा अपने फ्लाइट का। तो ये है गेट नंबर 5। इस एयरपोर्ट की सीट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मीन्स आरामदायक सीट है, अच्छी है। मैं अभी अपने फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है 7:45, अभी 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम है। मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ होगी 8:50 पे एंड मैं पहुंचूंगा 12:30 बजे दिल्ली। तो आइए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो आप ये इंडिया का मैप देख रहे हैं एंड इस मैप में मैं यहाँ पर हूँ, ये आप देख सकते हैं डॉट, एंड मुझे जाना है यहाँ दिल्ली। तो मुझे साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करना है, तो फ़्लाइट ऐसे टेक ऑफ करेगी एंड सनराइज़ होगा इस साइड से। तो मैंने इस साइड की सीट नहीं ली है, इस साइड की विंडो सीट। अगर मैं इस साइड की विंडो सीट लूँगा तो मैं धूप को ही फेस करता रहूँगा, तो मैं मीन्स फिर वो काफ़ी हैक्टिक हो जाएगा, फिर मुझे विंडो डाउन करने पड़ेंगे, फिर मैं कोई व्यू नहीं देख पाऊँगा। तो मैं हमेशा ये ध्यान रखता, तो मैंने इस साइड की सीट ली है ताकि मुझे सनलाइट का फेस ना करना पड़े एंड मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ आराम से। सेम मैं जब मैं घर जाता हूँ अपने, तो मैं पटना तक की फ़्लाइट लेता हूँ दिल्ली से पटना, एंड पटना यहाँ पर कहीं आसपास में है। तो मैं जब दिल्ली से पटना वापस आता हूँ तो मैं उस साइड की सीट लेता हूँ एंड मैं जब पटना से दिल्ली जाता हूँ तो मैं उस साइड की सीट लेता हूँ ताकि मुझे सनलाइट फेस ना करना पड़े, वरना काफ़ी हैक्टिक हो जाता है। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ हमेशा कि मुझे किस साइड की सीट लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल इंडिया के नीचे हूँ एंड मैं ट्रैवल करूँगा दिल्ली के लिए एंड ये ऑलमोस्ट 2600 किलोमीटर की ये फ़्लाइट ट्रैवल होगी जिसको कवर करने में फ़्लाइट को लग जाएंगे 3.5 घंटे से ज़्यादा। एंड ये मेरी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवल है अब तक की फ़्लाइट में, इससे लंबा मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, मीन्स मैंने 1.5 घंटे से ज़्यादा कभी ट्रैवल किया ही नहीं। मैं दिल्ली से पटना जाता हूँ जो 1 घंटे 10 मिनट में कवर हो जाती है, 2-3 महीने पहले मैं कश्मीर गया था वो भी 1 घंटे 10-20 मिनट में कवर हो जाती है। ये वाली मेरी सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की फ़्लाइट है अब तक की। ये वाली जो मेरी फ़्लाइट टिकट है ये फ्री की है, मुझे सिर्फ कन्वीनियंस फ़ी पे करना पड़ा जो कि वही 700-800 थे, क्योंकि मेरे पास है ये विस्तारा कार्ड, इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट फ्री मिलती है एवरी ईयर एंड हर 1.25 लाख रुपये के खर्च पे आपको एक और टिकट ऐड हो जाती है। मीन्स अगर आप 1.25 लाख रुपये खर्च करते हो तो एक टिकट मिलेगी एंड आप 2.5 लाख रुपये खर्च करते हो साल में तो 2 टिकट
एंड फिर 3,75,000 खर्च करते हो तो 3 टिकट, तो ये डिपेंड करता है। तो ये वाली मेरी फ्लाइट टिकट फ्री की है, मुझे सिर्फ दे कुछ कन्वीनियंस फी पे करना पड़ा था 700-800 रुपीज़, वरना ये वाली फ़्लाइट की टिकट थी ऑलमोस्ट 8,000 या 9,000 की। एंड मैं कल बीचेस में काफ़ी इन्जॉय किया, आप देख सकते हैं मेरे शूज़ में अभी तक सेंड लगे हुए हैं बीच के, एंड ये मैं डेली जाके वॉश करूँगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मेरी फ़्लाइट का नंबर है UK 884, एंड ये UK 883 अभी जस्ट आई है, 4:51 में दिल्ली से चली, एंड 8:04 में अभी टाइम हो रहा है, 8:11। मैं वहाँ पर लोगों को देख रहा हूँ कि वो लोग उस फ्लाइट से डीबोर्ड कर रहे हैं, एंड वो फ़्लाइट अभी क्लीन होगी, 10-15 मिनट्स लगेंगे, देन फिर हमारी फ़्लाइट 884, मेरी फ़्लाइट है UK 884, तो मेरी फ़्लाइट है UK 884, ये 850 पे खुलेगी, तो इसलिए ये फ़्लाइट अभी आई है दिल्ली से, यही फ़्लाइट वापस जाएगी दिल्ली को, तो मैं पहुँचूँगा 850 पे ये फ़्लाई करेगी, एंड मैं पहुँचूँगा 12:15 Terminal 3 पे, एंड अभी टाइम हो रहे हैं 8:12, तो 40 मिनट है, ये पता नहीं 40 मिनट में ये फ़्लाइट क्लीन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो ये फ़्लाइट डिले हो सकती है, और अगर कर दिया तो हम टाइम से फ़्लाई कर जाएंगे दिल्ली के लिए। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ प्रेयर रूम, यहाँ पर प्रेयर रूम भी है जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ सकते हो ये कॉर्नर पे, एंड मैंने आज तक किसी एयरपोर्ट पे नहीं देखा ये प्रेयर रूम, एंड ये फर्स्ट टाइम है किसी एयरपोर्ट पे मैं प्रेयर रूम देख रहा हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ ये कोची का जो एयरपोर्ट है ये फुली सोलर एनर्जी पे चलती है, एंड ये वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है जो सोलर एनर्जी पे चलती है। तो ये है प्रेयर रूम जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ सकते हो, दिस प्रेयर हॉल फर्निश्ड बाई MA यूसुफ अली, ये है वो प्रेयर रूम जहाँ आप नमाज़ पढ़ सकते हो। ये फर्स्ट टाइम मैंने किसी एयरपोर्ट पे देखा, बट इट्स गुड। आपको अंदर जाने के लिए जूते खोलने पड़ेंगे, बोर्डिंग के लिए लाइन लग चुकी है, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी फ़्लाइट की सीट है सबसे लास्ट 29th, एंड मुझे पहले जाना पड़ेगा ताकि मैं आराम से अंदर एंटर कर जाऊँ, वरना काफ़ी रश हो जाता है, मुझे पूरा एंड तक जाना है। तो ये है मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग की लाइन, मैं भी लग जाता हूँ पीछे लाइन पे बोर्ड करने के लिए। तो मेरी सीट 29 थी इसलिए मुझे पहले एंट्री मिल गई है, वो फ़्लाइट लैंड हो रही है एयर एशिया की, तो मैं जा रहा हूँ अपने फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए, एंड मेरी सबसे लास्ट वाली सीट है इसलिए मुझे पहले जाना पड़ेगा ताकि मैं आराम से अंदर जा सकूँ। बिल्कुल लास्ट में है, एंड मुझे एंड पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल कॉर्नर पे लास्ट में, 29A द लास्ट कॉर्नर 29A। Smoking is not permitted throughout the flight. The use of mobile phones and other electronic equipment is not permitted while the aircraft is being refueled. Thank you. Finally, मैं अपने सीट पर बैठ गया। आप देख सकते हैं एक USB पोर्ट, यहाँ आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं ये फ्लाइट अभी 824 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई है। फ्लाइट को एक घंटे हो गए टेक ऑफ से एंड अभी हम तेलंगाना स्टेट पार कर रहे हैं एंड फ्लाइट की स्पीड है 819 किलोमीटर पर। अब फ्लाइट में फूड सर्व हो रही है एंड हमें मिले हैं छोले पराठे एक छोटी सी वाटर बोतल पाव एंड डेढ़ घंटे हो गए फ्लाइट को फ्लाई करते हुए एंड हम अभी जस्ट महाराष्ट्र पार्क की एंड भोपाल के आसपास हैं एंड फ्लाइट की स्पीड है अभी 802 किलोमीटर पर आर 802 एंड 3। Ladies and gentlemen, we would like to remind all our customers to kindly remain seated until the seatbelt sign has been turned off. Thank you. ये वाली मेरी फ्लाइट है जिससे मैं अभी जस्ट लैंड किया हूँ एंड मैं आ गया हूँ बाहर। मेरा कोई लगेज बैग नहीं था इसलिए मैं इस लाइन से बच गया एंड मैं सीधा यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट लूँगा बाहर एंड बाहर से मैं करूँगा कैब बुक एंड फिर जाऊंगा अपने फ्लैट पे। तो गाइज मैं आ गया हूँ टर्मिनल 3 के बाहर एंड मैंने कर ली है ऊबर बुक। मैं जा रहा हूँ ऊबर के पार्किंग में, वहाँ से लूँगा कैब। मेरी फ़्लाइट सुबह 9:05 में फ़्लाई की थी एंड मैं 11:55 पे दिल्ली लैंड कर गया। एट एग्जैक्टली 3 आवर्स मुझे केरला से कोची से दिल्ली आने में लग गए एंड मैं जा रहा हूँ अपने कैब वाले के पास, वहाँ से मैं कैब लूँगा एंड जाऊँगा अपने फ्लैट पर। तो ये है पूरा टर्मिनल 3 का व्यू। तो ये वाला पार्ट अराइवल है एंड ये ऊपर वहाँ से जो रोड जाती है वो ऊपर जाती है डिपार्चर पे, ये नीचे वाले अराइवल है एंड ये वाला एरिया है जहाँ से आपको मिलेंगे ओला एंड ऊबर के कैब। आप कैब बुक करोगे लेकिन आपको यहीं आकर के उस पर बैठना होगा। मैं बुक तो कर रहा हूँ लेकिन बुक हो नहीं पा रही है। मैं जाता हूँ इनके पास, साकेत के लिए बुक कर रहा हूँ, मिल नहीं रही है। टाइम लग रहा है। अगर आपने ऊबर बुक करी है तो आपको जाना पड़ेगा इस साइड, अगर आपने ओला बुक करी है तो आपको जाना पड़ेगा इस साइड। तो मैंने किया है ओला बुक, ऊबर मिल नहीं रहा था तो मेरी कैब यहीं पर आने वाली है, 2 मिनट में आ जाएगी, 2-3 मिनट में। जब तक वो आती है मैं अगर वेट कर लेता हूँ। मैं कर रहा हूँ अपने कैब का वेट, बस वो आने ही वाली है, फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। इस भैया ने मुझे कॉल किया था कि आ जाओ मैं पार्किंग में खड़ा हूँ 5214। तो यही है मेरी कार 5214। चले भैया चले। इस भाई के गाड़ी की गैस ख़त्म हो गई तो गैस फिलिंग करवा रहे हैं। गैस फिलिंग कराने का एक नियम है कि अगर जिस टाइम गैस फिल हो रहा है उस टाइम गाड़ी में कोई बैठ नहीं सकता है। तो मैं आ गया हूँ गाड़ी से बाहर, अब ये फिलिंग हो रहा है, 5-7 मिनट तो लग ही जाएंगे।